किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक भक्त की, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती थी। कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता था, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही होती थी, कभी जॉब में झगड़ा होता था बॉस से। उसे लगता था कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूं, इतनी पूजा पाठ करता हूं, जप करता हूं, मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। उसके आसपास के लोग उसे कहते रहते थे, मोटिवेट करते थे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतने भगवान की भक्ति करते हो, कभी बुरा थोड़ा ना होगा। लेकिन उसे भगवान से एक दूरी सी होने लगी थी। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं चाहते क्या है। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने आधे घंटे तक बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा कि भगवान आज आपको सपने में आना है, दर्शन देने और मुझसे बात करनी है। आपका भक्त आज आपसे बात करना चाहता है, संकट में आ गया, आप सपने में आएंगे। इतना उसने भगवान से कहा और कमाल की बात ये रही कि उस रात ही उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही भगवान दिखे, उसने तो भंडार लगाया हुआ था समस्याओं का, बोलता चला गया आप क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आसपास लोगों को, गलत काम करने वाले मज़े में घूम रहे हैं और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान जो हूँ, मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान आप चाहते क्या हो। भगवान ने कहा ये तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उस भक्त ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे आप समाधान दीजिए, मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए। भक्त की नादान सी बातें सुनकर के भगवान ने कहा चलो ठीक है, मांग ही रहा है तो समाधान देते हैं। तो जहां दर्शन दिए थे उस दृश्य में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ पीछे दिखाई दे रहा था। भगवान ने भक्त से कहा तुम्हें दिख रहा है पेड़? उसने कहा दिख रहा है। भगवान ने कहा काम करो, तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सारी लिख करके, पर्ची बना करके, एक पोटली में डाल करके जाओ और वहां बांध के आ जाओ, सारी की सारी गायब हो जाएंगी। भक्त को लगा ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का आज परिणाम मिला, आज रिजल्ट मिला, भगवान ने मुझे सारी समस्याएं छुटकारा दिला। उसने कहा ठीक है अभी जाता हूं। भगवान ने कहा सुनो, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि वहां जाने के बाद, अपनी पोटली बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक पोटली उठा करके लाना, एक तो तुम्हें लेकर के आनी पड़ेगी, ये एक्सचेंज ऑफर है। भक्त ने कहा ठीक है देख लेंगे। उसने फटाफट से अपनी जितनी समस्याएं थी अलग अलग पर्चियां बनाई रखी, पोटली बनाई, लेकर के गया पेड़ के पास, जाकर के बांधी। एक्साइटमेंट था कि सब खत्म होने वाली है, समस्याएं गायब, जीवन में सब अच्छा होगा। वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पोटली उठा करके लानी थी, कौन सी उठाएं। सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढी उसने, जैसे उसे खोल रहा था, लेकर के आ रहा था, उसे लगा कि कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान ना चली जाए, वापस छोड़ दी। दूसरी छोटी पोटली ढूंढी, उसके पास गया तो उसे लगा कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी अपने की डेथ होने वाली है, उसने डर के मारे उसे भी छोड़ दिया। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी करीबी को बड़ी बीमारी हो जाए, पूरे जीवन परेशान रहे, उसने उस पोटली को भी छोड़ दिया। चिल्लाने लगा, कहने लगा भगवान ये कौन सा ऑफर है, मुझे तो मेरी पोटली वापस दे दो, मैं लेकर के जाता हूं और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखूंगा, लड़ना सीखूंगा, मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे बस यही बात तो समझाना चाहता था, देरी से सही तुम्हें समझ में आ गया। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर में बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। समस्याओं से घबराना बंद कीजिए, जीवन में हर पल में मुस्कुराना शुरू कीजिए। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।